जबरदस्ती हमारे इतिहासों को उनको बांटा जाता है और हमारे बीच विवाद बनाया जाता है। जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा उनके नेता उनके समर्थन में आते हैं। उनकी आबादी बेशक हमसे कम हो, चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, हमारी आबादी 10 करोड़ होने का कोई फायदा नहीं है। 10 करोड़ भी डूब मरने की बात है, 1 करोड़ छत्री ही हो वो भी काफ़ी होते हैं जो खुलकर मैदान में आए। हमारा समाज सबसे बड़ा अंधभक्त है और आप समझ सकते हो कि ये किसके जाल में फंसा हुआ अंधभक्त बना है। आजकल उसी की पूछताछ होती है जो अपना अलग रुतबा रखता है। हमें गुलाम बनाया गया है एक लोगों द्वारा और एक पार्टी द्वारा कि हम उसके ही अंधभक्त हैं। अगर हम उसके अंधभक्त ना होकर स्वतंत्र राजनीति करें, हर पार्टी में जाएं, हर जगह अपनी राजनीति करें स्वतंत्र, जब भगवान हमारे कुल में हुए, सब कुछ धर्म हमारा छात्र धर्म, तो हम क्यों किसी के बंधुआ मजदूर या गुलाम रहे। कोई भी मुझे बताओ, एक नेता भी आया हो, उनके नेता सभी आए, बताओ कोई आया हो, आप मुझे बताओ कोई आया हो, बताओ। आपकी बात मैं उठाता हूँ, उससे पहले आप देखिए सहारनपुर में क्षत्रियों का इतिहास चोरी हो रहा था, किसने आपकी आवाज़ उठाई। कोई भी यूट्यूब चैनल तो देख लो, कोई भी बड़ा चैनल देख लो, किसी ने भी आपकी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आप लोग फिर भी हमें सपोर्ट नहीं करते। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज की लड़ाई और हो रही इतिहास चोरी की लड़ाई पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज़ उठाते रहें, तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स, थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेबाकी से खुलकर क्षत्रिय समाज की हो रही इतिहास चोरी और क्षत्रिय विरोधी लोगों को मुँह तोड़ जवाब देते रहें।